छत्रपती शिवाजी महाराजने एक देश को विचार दिया था, वो विचार था सर्वधर्म समभाव का, और जो आदर्श उस समय लोकशाही के लिए उन्होंने जो दिए थे, उनका जो अष्टप्रधान मंडल था उसी के मुताबिक आज वो उसी का बेस पकड़कर आज पूरी डेमोक्रेसी भारत में चल रही है, और इस लोकशाही को और भी मजबूत करने का जो काम मोदी जी के और अमित जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, मेरे ख्याल से ये कहना सही रहेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे वो विचारों को ही लेकर ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और हर राज्य में जो प्रगति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, लोग जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका अगर कोई कारण हो तो यही कारण हो सकता है मोदी जी और के नेतृत्व में, जो मतलब मेरे ख्याल से जब मैं छोटा था तब से मैं सुनते आ रहा हूँ कि कश्मीर का जो इश्यू था, लेकिन किसी ने उस पर कोई मतलब उस किसी ने गौर से उसके ओर देखा नहीं, और एक पूरा देश कैसा एकत्रित रह सके और कैसे सब एक संग रह सके और कैसे भारत मजबूत हो सके, इसके लिए जो देश की अखंडता चाहिए उसके लिए ये जो कदम उठाए मोदी जी ने, तो मेरे ख्याल से कश्मीर के बारे में जो उठाया गया वो सही है। हालांकि मीडिया में कई लोग उनके अलग विचार तो रहते ही है, मतलब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो मासेस जुड़ रहे हैं ये पार्टी से, वो तो कोई किसी के कहने से तो नहीं जुड़ रहे हैं, आखिर लोग विचारों से एकत्र आते हैं उनको, और जब विचार से लोग एकत्र आते हैं तो उनको इकट्ठा या एकत्र रखने के लिए किसी ताकत की ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि जो उनका जो अल्टीमेट एम है, जो उद्देश्य है, वो एक ही रहता है, और उसी के मुताबिक आज मेरे अनेक साथियों के साथ मैंने ये निर्णय किया। मेरे ख्याल से देश में पहली बार ऐसा कदम किसी ने उठाया रहेगा, मतलब मेरे ख्याल से एंड के जो टर्म 5 साल की जो टर्म रहती है उसके जो अंतिम 3 महीने में तो कोई भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि चुनाव के लिए आगे जाना पड़ता है, लेकिन निस्वार्थीपने से लोगों का हित नज़रों के सामने रखते हुए मैंने अभी तो चुनाव अभी ख़त्म हो गए, 3 महीने में ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मुझे विचार जो मोदी जी के हैं वो उससे मैं सहमत हो,
और आगे जाकर भी जितना कुछ समाज के लिए जो करना है, तो उनके मार्गदर्शन, अमित जी के मार्गदर्शन और मेरे जो सब भारतीय जनता पार्टी में पहले से जो दोस्त है, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, चंद्रकांत दादा है, गिरीश जी है, ये सब लोग तो के साथ जुड़कर मैं काम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक हमारे जो खानदान का जो पहले से ही सेवा करने का जो लोगों की सेवा में जुड़े रहने की जो हमारा जो जो हमारी जो परंपरा है उसमें कभी कुछ उसमें बढ़ाव करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस माध्यम से सेवा करूँगा। और आज मैं बहुत बहुत मोदी जी को और सब अमित जी और यहाँ उपस्थित सब जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेते हैं उनके यहाँ उनके उपस्थित में जो मेरा प्रवेश हो गया, तो मैं सबको उनको भी धन्यवाद देता हूँ।